इसके लिए सबसे पहले आप चिकन लजानिया का एक पैकेट ले लें, चीज़ स्लाइस ले लें, शिमला मिर्च एक अदर लेकर बारीक बारीक चॉप कर, प्याज एक अदर बारीक चॉप कर लें, गाजर एक अदर इसको भी बारीक बारीक काट लिया हमने, वाइट सॉस हाफ प्याली, चिकन बोनलेस हाफ प्याली, दूध 3 कप। आज की जो ये डिश है मैं अपने बहुत ही प्यारे भतीजे की फरमाइश पर बनवा रही हूँ, जो माशाल्लाह से हाफ से कुरान है और बहुत ही बड़े मदरसे में आलम दीन बन रहा है। तो आइए हम आज अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पतीली में हमने पानी उबाल लिया, उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक डालकर अब हम ये चिकन लजानिया जो है उबलते हुए पानी में आप इनको डाल दें स्लाइसिस को, और अच्छी तरह से आपने इसको उबालना है जब तक ये एक कनी रह जाए। हमने इस बात का ख्याल रखना है कि ये बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए। अब ये जो इसमें बनने वाले मसाले हैं, डलने वाले, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने गरम मसाला लिया है थोड़ा सा पिसा हुआ, अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर हाफ चम्मच ले लें आप, या एक एक चुटकी ले लें तो भी काफ़ी है, सुरख मिर्च 1 चुटकी, काली मिर्च पिसी हुई 1 चुटकी, नमक हसबे जायका, थोड़ा सा ऑयल, और ये जो चिकन लजानिया का मसाला है ये मैंने थोड़ा सा इसमें से डालूंगी, क्योंकि जैसे मैं अपने तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ जो कि हमारे घर में अक्सर बनता है। और आज की जो डिश है ये मैं अपने बहुत ही प्यारे से भतीजे की फरमाइश पे बना रही हूँ, जो हाफ़िज़े कुरान है और माशाल्लाह से बहुत बड़े मदरसे में। अभी अच्छी तरह से उबल जाए तो आप ठंडे पानी से एक दफ़ा इनको निकाल लें और ऑयल लगाकर एक साइड पे रख दें। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें, अब इसमें ये चॉप की हुई प्याज डालें, जो मैंने बोनलेस चिकन लिया था इसके छोटे छोटे पीसेस काटे थे ये भी इसमें डाल दें, शिमला मिर्च, गाजर। अब एक पतीली में 3 कप दूध डालें, अब इसमें इसमें मुसलसल चम्मच हिलाएं और इसको गाढ़ा होने तक पकाएं। आपने सब चीज़ों को तकरीबन 5-7 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसमें हमने जो ये मसाले रखे थे वो सब मसाले इसमें शामिल कर दें। अब एक बेकिंग ट्रे में हम ब्रश से ऑयल लगा लेंगे। अब चूंकि ये हमारा गैस ओवन है इसलिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे ताकि हम आसानी से इसके ऊपर से उठा सकें। अब एक तरह इसकी रखें, इसके ऊपर आप ये डालें, मिक्स सब्ज़ी और चिकन डालने के बाद अब इसके ऊपर एक सॉस की तरह डालें। अब इसके ऊपर एक और पट्टी रख दें, अब हम इसके ऊपर चीज़ रखेंगे। ये मैंने तैयार कर लिया है, ओवन को मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया है, अब हम इसको 5 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे, ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी सा चिकन लजानिया तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी करें।